डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल किस तरह से बनाते हैं ड्राइंग में, इसको डिफाइन करेंगे बच्चों। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन ले ली हमने, एक ओरिजेंटल लाइन ले ली बच्चों। एक वर्टिकल लाइन ले ली, एक ओरिजेंटल लाइन ले ली और इससे हमने क्वाड्रेंट में क्रिएट कर लेंगे इसको। इस तरह से हमने क्वाड्रेंट बना लिया बच्चों। इसको एक्स वाई लाइन और इसको कहते हैं ग्राउंड लाइन, GL ग्राउंड लाइन, ये होती है हमारी ग्राउंड लाइन। इसको हम कहते हैं VP वर्टिकल प्लेन। ये जो वर्टिकल दीवार है इस पूरे को VP कहते हैं हम। और ये जो ओरिजेंटल वॉल है इसको हम बोलते हैं HP, ओरिजेंटल वॉल को हम बोलते हैं HP, ये होती है हमारी HP, ये ओरिजेंटल वॉल है। क्वेश्चन आता है सबसे पहले नेम टू रेफरेंस प्लेन, नेम टू रेफरेंस प्लेन। क्वेश्चन नंबर वन, नेम टू रेफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन भी कहते हैं। नेम टू रेफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन, आंसर यही दोनों प्लेन हमारे, एक वर्टिकल दीवार है एक ओरिजेंटल दीवार है। एक होता है VP, इसको पूरे को VP बोलते हैं, पूरे को VP यानी कि वर्टिकल प्लेन। और दूसरा है यहाँ पर सेकंड है HP ओरिजेंटल प्लेन। एक नेम टू रेफरेंस प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन, दूसरा ओरिजेंटल प्लेन। अब हमें पता होना चाहिए कि VP में हम क्या बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से देखने पर उसका फ्रंट व्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ऑलवेज VP में बनता है और फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहते हैं, EDVATION। फ्रंट व्यू का सेकेंड नेम इंजीनियरिंग में एलिवेशन। HP में कौन सा व्यू बनेगा हमेशा, HP में हमेशा टॉप व्यू, और इसको इंजीनियरिंग में प्लान भी कहते हैं टॉप से देखने पर। सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, मैं यहाँ से देख रहा हूँ खड़ा होके, तो ये फ्रंट है, ये टॉप है और ये साइड है, तो फ्रंट व्यू को, जो फ्रंट व्यू जैसा भी है वैसा बन जाएगा, उसी को एलिवेशन कहते हैं। जो ये टॉप, इसकी जो शेप है टॉप वाली शेप बन जाएगी, उसको टॉप व्यू कहते हैं, प्लान भी कहते हैं, और साइड व्यू को साइड व्यू और एड व्यू भी कहते हैं। तो इस तरह से नेम टू रेफरेंस प्लेन। अब अच्छा, मैंने यहाँ पर इस तरह से क्वाड्रेंट किया इसको, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के ड्राइंग बनाते हैं तो वो हमारी कहलाएगी फर्स्ट एंगल ड्राइंग। सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने ऐसे ही, ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के ड्राइंग बनाते हैं तो ये फर्स्ट एंगल ड्राइंग है। किसी ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रख के ड्राइंग बनाते हैं तो सेकंड एंगल ड्राइंग है। किसी ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रख के ड्राइंग बनाते हैं तो वो थर्ड एंगल ड्राइंग कहलाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थर्ड एंगल में रख के ड्राइंग बनाते हैं, ये हमारी थर्ड एंगल ड्राइंग कहलाती है। ऐसे अगर फोर्थ एंगल में रख के ड्राइंग बनाते हैं तो वो फोर्थ एंगल ड्राइंग कहलाती है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द राइट द लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट, ऑल क्वाड्रेंट, राइट द लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑल क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ऑल क्वाड्रेंट में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की लोकेशन क्या होगी बच्चों, ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है इसकी इस वाली साइड को हम बोलते हैं फ्रंट,
जो इसकी राइट साइड है इस तरफ, इसको बोलते हैं इन फ्रंट। और एचपी की इस वाली साइड को हम बोलते हैं अबव, ऊपर की साइड, एचपी के ऊपर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वीपी के सामने है और एचपी के ऊपर है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो वीपी की बिहाइंड साइड है, वीपी के पीछे, और एचपी की अबव साइड है, एचपी का अबव। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है तो ये एचपी की बिलो साइड है, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, वीपी का बिहाइंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो एचपी के नीचे है, एचपी के बिलो और वीपी के इन फ्रंट। यहाँ पे ये वीपी का इन फ्रंट है क्योंकि ये साइड वीपी की इन फ्रंट मानी जाती है, राइट साइड, और ये वाली साइड जो है इसकी बिहाइंड माना जाता है। ये साइड एचपी ओरिजेंटल प्लेन की, ये साइड अबव साइड और नीचे वाली साइड बिलो साइड कहलाती है। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, वीपी के इन फ्रंट और एचपी के ऊपर। अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इन फ्रंट वीपी, इन फ्रंट वीपी एंड अबव एचपी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, इफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट देन लोकेशन विल बी बिहाइंड वीपी, वीपी के बैक साइड और एचपी के अबव, बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी। अगर कोई ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एचपी के बिलो और वीपी के बिहाइंड, बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी। और कोई ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चों क्या होगी, एचपी के नीचे, वीपी के इन फ्रंट, यानी कि इन फ्रंट, इन फ्रंट वीपी एंड बिलो एचपी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इस पूरे को एचपी की अबव साइड, ये एचपी की बिलो साइड, ये वीपी का इन फ्रंट, ये भी वीपी का इन फ्रंट, ये वीपी का बैक और ये वीपी का बैक, ऐसे ये एचपी का अबव, ये एचपी का बिलो, ये एचपी का अबव, ये एचपी का बिलो। तो इस तरह से इसी के आधार पर हमने चारों क्वाड्रेंट की लोकेशन को फिक्स कर लिया है अंदर। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट एंगल ड्रॉइंग कहलाएगी, ऑब्जेक्ट को हम सेकंड क्वाड्रेंट में रख के बनाते हैं तो सेकंड एंगल ड्रॉइंग कहलाएगी, ऑब्जेक्ट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में रख के बनाते हैं तो थर्ड एंगल ड्रॉइंग कहलाती है, ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रख के ड्राइंग बनाते हैं तो वो फोर्थ एंगल ड्रॉइंग कहलाती है। अब बेसिक कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनती कैसे है, कैसे ड्राइंग बनती है। ड्राइंग बनने का प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई ऑब्जर्वर होगा यहाँ पर, ऑब्जर्वर देखने वाला, ऑब्जर्वर, और बीच में बोलते हैं पी पी, इन दोनों का कॉमन नेम, वीपी और एचपी का कॉमन नेम है, वीपी और एचपी दोनों को कॉमन रूप से हम पी पी भी कह देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये कॉमन नेम किसका है, इसको वीपी को भी और एचपी दोनों को हम क्या कह सकते हैं कॉमन रूप से, पीपी, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। वीपी और एचपी हम दोनों को, यानी कि हम इसको पीपी भी बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको भी बोल सकते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इन लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग, पीपी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे पीपी मीन्स ये वीपी या एचपी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों। अब क्या होगा, हमारी आई से रेज चलती हैं, हमारी आई से रेज, जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो ऑब्जर्वर से रेज सीधी जाएंगी, आई से रेज चलती हैं, इन रेज को, वैसे हम इनको रेज कहते हैं, ये रेज हैं, लेकिन इन रेज को इन लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग हम कहते हैं प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर्स, PROJECTORS, प्रोजेक्टर्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, रेज, ऑब्जर्वर, ये मैन है, आदमी है जो देख रहा है, या कोई भी मेल फीमेल, ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जब ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को आप ड्राइंग शीट मान सकते हैं, ये ड्राइंग, ये वो ड्राइंग शीट है, ये वो पेपर है, ये वो ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट जिसके ऊपर ड्राइंग बनेगी, जिसके ऊपर इमेज बनेगी आगे, ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, जब ऑब्जर्वर देखता है तो आई से सीधी रेज चलती है, इससे टकराती है, तो जैसी भी इसकी इमेज है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जैसी भी इसकी इमेज है वो वैसी ही वह यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, तो ये बन गई इसकी इमेज, इमेज, अगर ये वीपी है तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बना होगा, तो ये इस तरह से इसकी इमेज क्रिएट होती है बच्चों, तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर से जो रेज चलती हैं उनको प्रोजेक्टर्स कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, तो ऑब्जेक्ट की जैसा भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट का फेस है वो वैसा यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो ये इसकी इमेज बन गई, यानी कि अगर ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकल प्लेन होगा, और वर्टिकल प्लेन में यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में यहाँ पर क्या बनी इसकी इमेज, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल है किसी भी ड्राइंग के बनने का, ऑब्जर्वेशन राइट साइड खड़ा होकर ही देखता है, ये भी ध्यान रखना है अपने, ऑब्जर्वर राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड से खड़ा होकर कभी नहीं देखेगा, तो राइट साइड से ही ऑब्जर्वर देखता है, तो फर्स्ट एंगल ड्राइंग की बात करते हैं हम, फर्स्ट एंगल ड्राइंग, फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से सीधी ये रेज चलेंगी ऑब्जर्वर की आई से डायरेक्ट, ऐसे रेज चलेंगी ऑब्जर्वर की आई से, सीधी कहाँ टकराएंगी जाके, यहाँ खड़ा हो गया ऑब्जर्वर देख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, जब जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसकी रेज कहाँ पर बनेगी बच्चों, डायरेक्ट ये बन गया, ये इसका व्यू बन गया, जैसा भी ये था ऐसा ही यहाँ पर बन गया, ये वाली फेस यहाँ से हम देख रहे हैं, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यही फ्रंट है मेरे लिए, तो ये फ्रंट व्यू कहाँ पर बना, पीपी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि वीपी में, वर्टिकल प्लेन में क्या बना इसका, फ्रंट व्यू, ऐसे ही मैं इसको जब ऊपर से देखूँगा टॉप से, तो टॉप से जो रेज हैं वो सीधी कहाँ टकराएंगी आगे, टॉप से सीधी यहाँ पर टकराएंगी बच्चों, और जैसी भी इसकी इमेज है ये बन गया टॉप व्यू, क्या बना ये टॉप व्यू, ऐसी थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर यहीं से देखेगा, ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्वर है, क्योंकि हम इसको ट्रांसपेरेंट मानते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को तभी दिखाई देगा जब ये ट्रांसपेरेंट है, तो आई से सीधी रेज चलेंगी, और रेज सीधी कहाँ टकराएंगे आगे, ये ऑब्जर्वर की आई से आ रही है रेज, और जैसे भी इसके डायग्राम है ये बन गया, तो चूंकि मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ तो ये फ्रंट है, तो ये बना फ्रंट व्यू, टॉप हमेशा यहाँ, अब ऑब्जर्वर देखेगा इसका टॉप ऊपर से, तो ऊपर से रेज जो हमारी आई से रेज चली वो यहाँ पर टकराएंगी, और जैसी भी इसकी इमेज है वैसी इसकी इमेज यहाँ पर टॉप व्यू, तो ये ऑब्जेक्ट था, अब इसको मेरे को ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करना है, सपोज मैं फर्स्ट एंगल ड्राइंग है, फर्स्ट फर्स्ट एंगल ड्राइंग, फर्स्ट एंगल ड्राइंग में क्या होगा, ये देखो आप एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन है, इससे ठीक ऊपर की तरफ कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, और ये कौन से प्लेन में बना, वीपी में, एक्स वाई लाइन, अब ये जो एंगल है यहाँ पर ये कितना है 90 डिग्री, तो वीपी को हम मानते हैं फिक्स प्लेन, वीपी इज ए फिक्स प्लेन, वीपी विल नॉट मूव, और हम ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पे हमारी शीट होती नहीं है, तो हमें इसे शीट पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करें इसको, हम एच पी जे कंसाइडिंग प्लेन, एच पी
विल मूव इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, हमेशा 0 से 90 डिग्री एक बार में मूव करता है। तो ये नीचे चला जाता है घूम के और सीधा हो जाएगा, यानी कि टॉप कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, टॉप व्यू आपका आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा, टॉप व्यू हमेशा नीचे बनेगा। साइड व्यू का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, अगर साइड व्यू को हम लेफ्ट, अगर किसी और इस ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से देखते हैं तो राइट में बनेगा, और राइट से देखते हैं तो लेफ्ट में बनेगा, अपोजिट बनता है हमेशा, और बनेगा फ्रंट के बराबर में ही। अब ये लेफ्ट से देखा तो इसका नाम लिखा लेफ्ट साइड व्यू, और यदि हम इधर से देखते हैं राइट से तो बनेगा लेफ्ट में, बनेगा फ्रंट के बराबर में, तो इसका नाम हो जाएगा राइट साइड व्यू, क्योंकि आपने राइट से देख के बनाया राइट साइड व्यू, लेफ्ट से देख के बनाया तो लेफ्ट साइड व्यू। थर्ड एंगल ड्रॉइंग एक्स वाई, ये हमारा थर्ड एंगल है, ये एक्स वाई लाइन है, ये ओरिजेंटल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो फ्रंट कहाँ पर बना, एक्स वाई लाइन से नीचे की तरफ, ये फ्रंट व्यू है, ये वीपी प्लेन है, वीपी नीचे की तरफ है, और एचपी कितने डिग्री पर है यहाँ से, 90 डिग्री पर। ऐसे ही मैं भी स्टेट करूँ, वीपी फिक्स प्लेन है, तो कौन सा प्लेन मूव करेगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही मूव करता है हमेशा, 0 से 90 डिग्री। तो ये मूव करेगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऊपर, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो इसका टॉप व्यू है, ये चला गया ऊपर की तरफ, यानी कि एच पी चला गया ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपस में अपोजिट होते हैं बच्चों, थर्ड एंगल में हमेशा टॉप व्यू ऊपर की तरफ बनेगा और फ्रंट व्यू हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। और इसमें साइड व्यू का क्या कंसेप्ट है, साइड व्यू एज इट इज बनता है, यानी कि लेफ्ट से देखने पर लेफ्ट में और राइट से देखने पर राइट में, बट ऑलवेज विल बी प्रोजेक्टेड इन साइड ऑफ फ्रंट व्यू, बनेगा फ्रंट व्यू के बराबर में ही, चाहे फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो। तो यहाँ पे ये राइट है तो राइट साइड व्यू, और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड व्यू ये रहेगा। अब मैं आपको, हम हमेशा जितनी भी ऑल इंडस्ट्रियल ड्राइंग आर मेड इन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ओनली, फर्स्ट और थर्ड में ही बनाई जाती हैं, सेकंड और फर्स्ट में ड्राइंग नहीं बनाई जाती हैं। क्यों, मैं आपको सेकंड का प्रिंसिपल भी बता रहा हूँ एक बार। सपोज मैं सेकंड का यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ये वीपी और ये एचपी। अब मैंने ये सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया बच्चे, नहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ये एक्स वाई लाइन, ये एच पी और ये वी पी, ये एच पी है और ये वी पी है। अब कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, सपोज सेकंड और फोर्थ में हम ड्राइंग नहीं बनाते हैं, रीजन आपको पता लग जाएगा अभी, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जर्वर देखने वाला यहाँ पर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी ऑब्जर्वर राइट साइड से देखेगा, तो देखने के बाद जो रेज होंगी सीधी वो यहाँ पर टकराएंगी आगे, और इसकी जैसी भी इमेज है यहाँ पे बन जाएगी, ये बना फ्रंट व्यू। अब मैं टॉप से देखता हूँ इसको, टॉप से, तो टॉप से जितनी भी रेज है वो कहाँ पर टकराएंगे आगे बच्चों, ये बन गया इसका टॉप व्यू। अब आपको इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन से ठीक ऊपर कौन सा व्यू है आप देखो, ऊपर कौन सा व्यू बना हुआ है, फ्रंट व्यू, यानी कि वी पी, और ये बन गया फ्रंट व्यू जैसा भी था। और एच पी कितने डिग्री पर है अब, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर हमारी शीट होती नहीं, तो एच पी जो कंसाइडिंग प्लेन, एच पी घूमता है और वी पी फिक्स होता है, वी पी नहीं घूमता, तो एच पी घूमेगा बट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और एक बार में 0 से 90 डिग्री घूमता है ये सीधा। तो जब हम इसको घुमा देंगे तो ये दोनों आपस में
एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा घूमने के बाद, ऐसे चला जाएगा। और ये व्यू उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, यानी कि यहीं पे हमारा आ जाएगा टॉप व्यू। और एचपी भी घूम के कहाँ चला गया, ऊपर। तो फ्रंट के ऊपर टॉप व्यू आ जाता है, टॉप व्यू के ऊपर फ्रंट व्यू आ जाता है। तो हम ऐसी ड्राइंग कभी भी नहीं बनाएंगे जिसमें हमारा फ्रंट के ऊपर टॉप आ जाए, टॉप के ऊपर फ्रंट आ जाए, यानी कि ड्राइंग इज़ नॉट विजिबल टू कस्टमर, बोथ द प्लेन ओवरलैप्स। तो हम सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग कभी नहीं बनाते। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये बनता है, वाई डू नॉट मेक ड्राइंग ड्राइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्राइंग क्यों नहीं बनाते। आंसर एक लाइन में, वाइवा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी डोंट मेक ड्राइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वी डोंट मेक ड्राइंग इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज बोथ प्लेन ओवरलैप्स, LAPSOVER ओवर LAPS ओवरलैप्स कर जाते हैं एक रीजन में आंसर, क्योंकि VP के ऊपर HP आ गया आपस में, तो फ्रंट और टॉप आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो ड्राइंग कस्टमर को विजिबल नहीं होती है। सेम ऐसा ही बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये एक्स वाई लाइन है, ये HP है और ये VP है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है आपका, ये मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया जो मेरा मन गया। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अब ऑब्जर्वर की आई से रे चलेंगी जिनको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, इससे टकराएंगे और जाके सीधे कहाँ टकराएंगे, वो VP में, सीधे सब टकराएंगे VP में। जैसी भी इसकी फिगर है, ये फिगर एज इट इज बन जाएगी बच्चों, एज इट इज फिगर इसकी बन जाएगी। तो जैसी भी इसकी फिगर है, ये बन गया फ्रंट व्यू। ऐसे ही जब हम टॉप से देखेंगे इसको, टॉप से, टॉप में कहाँ पे टकराएगी, HP में, प्रोजेक्टर सीधे आपके यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा ऊपर, और यहाँ से हम देखेंगे तो जैसी भी इसकी इमेज होगी, ये बन गया टॉप व्यू। अब हम इसको एक्स वाई लाइन पर लेते हैं, एक्स वाई लाइन से नीचे की तरफ कौन सा व्यू बना हुआ है, फ्रंट व्यू VP में। ये कितने डिग्री पर है बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री पर HP, बट VP जब फिक्स प्लेन, तो घूमेगा कौन सा, HP। HP विल मूव इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन 0 से 90 डिग्री इन वन अटेम्प्ट, एक बार में 90 डिग्री मूव करेगा। HP को हम घुमाएंगे यहाँ पर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये इसके साथ बट कर जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, पूरा लेफ्ट कर जाएगा इसके साथ, और ये जो व्यू है ये यहाँ पर आ जाएगा इसी के साथ, ये आ जाएगा इसका टॉप व्यू। और HP भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों प्लेन ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन एक्स वाई लाइन के नीचे की तरफ, और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों कहाँ पर हैं आपके, ये सेकंड के लिए था डायग्राम, दोनों ऊपर की तरफ हैं, और ये कहाँ पर हैं दोनों, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों कहाँ चले गए, एक्स वाई लाइन से नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमारा ये, मैंने आपको आज ये एक्सप्लेन किया। फिर मैं आपको फर्स्ट और थर्ड एंगल में डिफरेंस भी बताऊंगा बच्चों, फर्स्ट और थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या डिफरेंस है, एक एक पॉइंट करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको
ये फिर इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। इसमें चार पॉइंट बताता हूँ कम से कम। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंगल, ये रहा। यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास, एक ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पीपी। बीच में कौन है, यानी कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर। तो फर्स्ट एंगल में बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ थर्ड एंगल में, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्शन ऑफ, इसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं वीपी को हम, प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो वही तीन चीज़ें, ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जर्वर। बीच में कौन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, वो था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज करता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइज करता है। सेकंड सेकंड डिफरेंस है, यहाँ पे ऑब्जर्वर के ठीक सामने ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और उसकी ड्राइंग यहाँ पर बनेगी, चाहे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, बीच में ये दीवार है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा और ड्राइंग बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन और प्लेन का ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं, इन फर्स्ट एंगल ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मे और मे नॉट बी ट्रांसपेरेंट। इन थर्ड एंगल ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट ऑलवेज। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मे और मे नॉट बी ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट ऑलवेज, ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए। तीसरा डिफरेंस, फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट विल बी लोकेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के ड्राइंग बनाएंगे हम। थर्ड, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल जब भी माना जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऑब्जेक्ट को हमें थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में रख के ही ड्राइंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे फ्रंट व्यू विल बी एग्जिस्ट अबव एक्स वाई लाइन। फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर, और टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, नीचे। थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे, और टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो ये तीन चार डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए। होपफुली बच्चों आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं और आगे इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। तो आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।